Assalamualaikum. This is Muhammad Asif from Red Formation College, Bernala. I lecture number 14 में ही हम review exercise करने जा रहे हैं. Review exercise में mostly सारे question repeated हैं. तो उसके जो question number 3 है by factorization method ही आपको lecture number 2 के अंदर मिल जाएगा. सारा process जो मैंने समझाया है. इसी तरह question number जो 4 है ये by completing square method के through हमने review exercise में question दिया हुआ है. हमने ये पहले किया हुआ lecture number 3 के अंदर मैंने इसको detail से बताया हुआ. इसी तरह जो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला के रिलेटेड तो हमने 1.3 के अंदर भी किए, 1.2 के अंदर भी किए. लेक्चर 4 से आगे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले क्वेश्चन डिस्कस किए. तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन जो डिफरेंट है वो मैंने लिख दिए. एक क्वेश्चन पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है कि x की पावर 4 - 6x² + 8 = 0. ये टाइप 1 के नाम से भी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है. तो उसके जगह दोबारा देख लेते हैं. तो इसकी डिग्री 4 आ रही थी हमारा इक्वेशन की. तो इसमें भी हमने वेरिएबल इन्वॉल्व किया था. प्रोसेस सेम है. सबसे पहले इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करें अपने उन्हीं 3 मेथड में से जो हमें सूटेबल होगा वो हम यूज करेंगे. तो देखें जी एक्स की पावर 4 आ रहा है. इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर उसी तरह प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब इसके अंदर ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, उसका स्क्वायर आ रहा है. हम क्या करते हैं, इनपुट कर देते हैं x square is equal to y और इसको इक्वेशन मान कर आते हैं. जब x square की जगह पर y पुट कर दिया तो ये मान लेगा कि y होल का स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो ये मान लेगा कि y square माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है. फैक्टराइजेशन कर लेते हैं y square माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और दरमियान पे आ रहे माइनस 6. तो दो नंबर 2 और 4 6 तो होगा और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ ठीक. यानी कि 2 क्रॉस 4. तो y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट प्लस 8 इज इक्वल टू दो नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 आए और प्लस से माइनस करें तो 6 आए. तो 2 और 4 2 को 4 से तरफ दिया और 2 के अंदर 4 जमा किया तो ये 6 बन जाएगा हमारे पास. तो 2 प्लस 4. अब माइनस वाई को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल 0. फिर सेम स्टेप भी y कॉमन कर दें y माइनस 2 माइनस 4 कॉमन कर दें y माइनस 2 इज इक्वल 0. तो y माइनस 2 दोबारा कॉमन कर दें और दूसरी तरफ भी y माइनस 4 इज इक्वल 0. तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4. तो y के हमारे पास 2 वैल्यू लेकिन हमारे पास वेरिएबल x है. तो क्या कहते हैं दोनों वैल्यूज को बारी बारी इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं. पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. क्या बनने का कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2. लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए. क्या कहते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं. एक ही स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो x स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट. जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा. तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट गया तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2. इसी तरह भी ये दूसरा जो आ रहा है 4 पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. तो x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4. अब दोबारा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो अंडर रूट x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4. तो x स्क्वायर के स्क्वायर पर आ जाएगा कि प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास है प्लस माइनस 2 के इक्वल. तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया प्लस माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2. बिल्कुल इसी तरह भी हमारे पास एक पार्ट नंबर 8 थोड़ा डिफरेंट था उसको भी कर देते हैं. ये हमारे पास टाइप 4 का क्वेश्चन है 1. एक्सरसाइज 1.3 का एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड है. तो 7 की पावर हमारे पास आ रही थी 2x प्लस 2. आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं. लेकिन अगर एक ही बेस पर डिफरेंट एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो गए तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. कि 7 की पावर 2x डॉट 7 की पावर 2 माइनस 7 की पावर 3 डॉट 7 की पावर x माइनस
7 की पावर x डॉट 7 की पावर माइनस 1 करेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपली 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है, डॉट 7 की पावर 2x उसी तरह, माइनस 7 की पावर 3 हमारे पास 3, 43 के इक्वल होता है। 7 क्रॉस 7 49, और 49 को दोबारा 7 से मल्टीप्लाई किया 343, डॉट 7x उसी तरह आ जाएगा, माइनस 7x उसी तरह, 7 इनवर्स है तो जब नीचे जाएगा तो ये प्लस 7 आएगा, प्लस 1 इज इक्वल 0। अब जी क्या करते हैं, ये भी 7x है, 7 की पावर x है, और ये 7 की पावर 2x है, तो हम इसके अंदर नया वेरिएबल इन्वॉल्व कर लेते हैं, पुट 7 की पावर x इज इक्वल टू y। अब इसकी जगह पे तो y आ गया, लेकिन ये आ रहा 7 की पावर 2x, तो दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास बनेगा कि 7x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, तो 7 की पावर 2x इज इक्वल टू y का स्क्वायर, क्योंकि एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब पुट क्या देते हैं, 49 इसकी जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 343, 7 की पावर x है तो इसकी जगह पे आ जाएगा y, माइनस 7 की पावर x की जगह पे y ओवर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जी इसको डिनोमिनेटर में 7 को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, सारे इक्वेशन को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास भी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 7। तो बोथ साइड्स को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 49 क्रॉस 7 y स्क्वायर माइनस 343 y क्रॉस 7 माइनस y ओवर 7 क्रॉस 7 प्लस 1 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 0। अब 49 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 343 y स्क्वायर माइनस 343 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2401, ये 7 7 से कट गया तो माइनस y, इसके साथ y भी आ रहा है, और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई, 343 y स्क्वायर माइनस 2401 y माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये माइनस 2402 बन जाएगा, उसके बाद दोबारा इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, ये ऑलरेडी फैक्टर बड़े होंगे, हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन के बाद 343 को कॉमन कर देते हैं, 343 y कॉमन आ जाएगा, तो 343 y कॉमन आ गया तो हमारे पास खाली y रह गया माइनस। अब 2401 343 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2401 आया था, यानी कि 2401 को 343 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 7, ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 7, अब इधर माइनस 1 का बड़ा आ जाएगा तो अंदर भी y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास y माइनस 7 दोबारा का बड़ा आ गया तो बचे 343 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोबारा फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने इसको क्या किया फैक्टर बना लिया। अब जी जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 343 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 7 और इधर से 343 y इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस 1 में दूसरा जाएगा प्लस और होगी, और y इज इक्वल टू 1 ओवर 343 क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा जाएगा डिवाइड होगी। तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल वेरिएबल था वो x था, इसको इक्वेशन 1 का हमने नाम दिया था, अब क्या कहते हैं y की दोनों वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 की पावर x इज इक्वल टू 7, तो दोनों में बेस सेम आ रहे हैं, ये भी 7 है ये भी 7, तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो फ्रॉम y कंपेयरिंग x इक्वल आ जाएगा ये हमारे पास 1 की। इसी तरह हमारे पास दूसरी वैल्यू आ रही है 1 ओवर 343, तो पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1 ओवर 343 इन इक्वेशन 1, तो 7 की पावर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 ओवर 343, तो इसको भी अब हमें बेस बनाना पड़ेगा 7 की, तो 7 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर, इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब, क्योंकि 7 का क्यूब हमारे पास 343 के इक्वल होता है, 7 क्रॉस 7 49, 49 क्रॉस 7 343,
7 की पावर x इज इक्वल टू ये 7 की पावर 3 जब ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी 7 की पावर माइनस 3 अब बेस है ना इसका मतलब x प्राइम भी इक्वल है तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 तो हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया जी एक आधा 1 और एक माइनस 3 तो माइनस 3 और 1 तो ये था कि हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के लिए इसके अलावा जो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पार्ट आ रहा है वो मोस्टली एक हमारे पास 1.4 का टाइप 1 के नाम से और बाकी सारे 1.3 के रिलेटेड क्वेश्चन तो ये मैंने आपका जो पार्ट नंबर 8 था वो सॉल्व कर दिया तो आज का ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया तो रिव्यू एक्सरसाइज का भी इख्तिताम हम इसे भी करते हैं अल्लाह